आमच्याच बेटी बचाओ बेटी पढाओचे पालघर जिल्ह्याचे सहप्रभारी डॉक्टर रोहन कुल्लू जे डीएनडी आहेत, त्याचबरोबर चार्टर्ड अकाउंटंट ज्यांनी आपलं छानपैकी कोऑर्डिनेशन केलं, असे विजेता जयस्वाल आमचे समन्वय ज्यांनी आम्हाला मुंबईमध्ये सहकार्य केलं, असे आमचे गेड्या सर शैलजी गेड्या सर आणि ॲडव्होकेट क्रांती साठे, खरं तर त्यांनी कालच तयारी केली होती, सुट्टी दिली होती सगळ्यांना, पण त्या आपल्या बिझी शेड्यूल मधून आपल्याला वेळ आज दिला त्यांनी, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद. आणि उपस्थित मंच आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेले माझे बंधू भगिनी, दुपारपासून आपण वेगवेगळ्या विषयांवर बऱ्यापैकी मार्गदर्शन ऐकले, बऱ्यापैकी आपल्याला माहिती मिळालेली आहे. महिला हे खांद्याला खांदा लावून चालतात, पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून चालतात असं म्हटलं जातं, पण किती झालं तरी त्यांना दुय्यम दर्जा हा मिळतो, किती झालं तरी त्यांना अन्याय हा सहन करावाच लागतो, आणि कितीही झालं तरी त्यांना स्त्री भ्रूण हत्या, त्याच्यानंतर लैंगिक शोषण, बलात्कार, हत्या या वेगवेगळ्या प्रसंगाला सामोरे जाणं. आपण गेले कित्येक दिवस इथे टीव्हीवर वेगवेगळ्या बातम्या बघत आहोत, आणि या बातम्या बघितल्यानंतर आपल्या मनात कुठेतरी वाटत, आपलं मन शुद्ध होऊन जात, कुठेतरी आपल्याला वाटत की हे काय चाललंय, हे कुठली मानवी विकृती आहे, हे ऐकून आपलं मन थक्क होत, आणि त्याचच आपल्याला वेगवेगळं राजकारण ऐकायला, आपल्याला नुकतंच म्हणजे आपण इतर ज्या मुली आहेत किंवा इथे जे मुलं देखील आहेत त्यांच्या घरात बहिणी आहेत, तर त्यांना सुद्धा बऱ्याच वेळा ऐकायला लागले असेल की अरे तू मुलगी आहे, तोकडे कपडे घालू नको, पूर्ण कपडे घाल, रात्री बेरात्री फिरू नको, पण हे सगळं चर्चा ऐकत असताना, आपल्यावर मार्गदर्शन होत असताना, संस्कार होत असताना, कुठेतरी जेव्हा 4 वर्षाच्या बदलापूरमधल्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार होतो, तिथे बंगालमध्ये एक डॉक्टर इंटर्नवर क्रूरतेने हत्या बलात्कार करून हत्या केली जाते, आणि लातूरमध्ये एक 70 वर्षाच्या आजीवर बलात्कार करून हत्या होते, आणि आता मध्ये मुंबईमध्ये तर ऐकलं मे महिन्यामध्ये तर वडिलांनीच आपल्या मुलीवर बोलायला सुद्धा काहीतरी वाटते पण बलात्कार केला, आणि जेव्हा ती गर्भवती राहिली तेव्हा ही गोष्ट उघडकीस झाली. मग आता ह्यावेळी कुठे ते तोकडे कपडे आले असा विचार आपल्या मनात पडत असेल, आणि मग तिथे राजकारण करतात आपले विरोधक की आम्हाला लाडकी बहीण नको, आम्हाला महिलांची सुरक्षा पाहिजे. मग महाविकास आघाडी कुठेतरी आंदोलन करतं, सुप्रियाताई पुण्यात त्याचा लीड घेतात आणि ते वचन घेतात, वचन की आम्ही स्त्री सुरक्षितेसाठी कटिबंध आहोत, स्त्रियांच्या ह्याच्या पुढे आम्ही स्त्री सुरक्षेचाच विचार करू. मग मला तेव्हा असं वाटलं की ताई 2011 ते 2014 स्त्री भ्रूण हत्या होत होती, जेव्हा मुलांची संख्या 700 साडेसातशे मुलींची संख्या इतकी कमी मुलांच्या दरात, म्हणजे हजारची जर तुलना केली तर 700 साडेसातशे इतकी कमी दर झाला होता, तेव्हा तुम्ही कुठे होत्या, तुमची सत्ता होती त्या काळात, झालं नाही का अशा सगळे प्रसंग. मग आज तुम्हाला वचन घ्यायचं का विचाराला, आम्ही तर 2014-15 मध्येच मोदीजींनी वचन घेतलं, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान सुरू केलं, का तर तेव्हा मुलींची संख्या कमी झाली होती, त्यांच्या लक्षात आलं की जर मुलींना आपण जन्माला येऊन द्यायला पाहिजे, मुलींना शिक्षित करायला पाहिजे, मुलींचं संरक्षण करायला पाहिजे, तिला निडर करायला पाहिजे, तिला निर्भय करायला पाहिजे, तरच हा देश प्रगतीशील होईल. आणि मग अशा वेळी तुम्ही म्हणताय इथे की आम्ही आता वचन घेतलं, तुम्ही म्हणताय की निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही लेख लाडकी योजना काय लाडकी बहीण योजना काढताय, पण त्यावेळी 2014 पासून मोदीजींनी प्रत्येक योजना ही महिलांना मुलींना डोळ्यासमोर ठेवून घेतली. मग ती पंतप्रधान उज्ज्वला योजना असू, शौचालय
पंतप्रधान आवास योजना असू, तीन तलाकचा विषय असू, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सुकन्या योजना असू, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मी सुद्धा 50% मुलींना महिलांना बसेसमध्ये एसटीमध्ये प्रवास करायला सूट दिली होती. आमच्या मध्य प्रदेश मध्ये ही लाडकी बहीण योजना अजूनही चालू आहे. मध्ये पोस्ट व्हायरल झाली, नाना पटोले न्यूज म्हणायला लागले की बघा निवडणूक संपली आणि मध्य प्रदेशची योजना बंद झाली. आणि मग मी माहिती काढली तर काय, ती बंद नव्हती झाली, उलट उलट रक्षाबंधन म्हणून ती 250 रुपये बहिणींना हे दिलं, त्यांनी बक्षीस म्हणून दिलं. तर त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी महायुती आघाडी ही नेहमी कटिबंध आहे. आणि हा विषय जो आहे तो सामाजिक विषय, हा संवेदनशील विषय, ह्याचं राजकारण कोणी करू नये. आम्ही डॉक्टर शिकत असताना अशी शिकत तेव्हा आम्हाला एक विषय होता फोरेन्सिक मेडिसिन. फोरेन्सिक मेडिसिन कशासाठी होता की हे सेक्शुअल परवर्जन जे आहेत ना त्याच्यासाठी हे विषय होता. एक वर्षभराचा टॉपिक होता, डॉक्टर फुलूर पण सांगतील. मग तो कशाला शिकवला गेला, तर मानवी विकृती असते ना. आता कोणीतरी त्या मुलींनी सांगितलं की आम्हाला कसं काय आम्ही ते हे म्हणतात बॅरियर तोडू, तर हे बॅरियर हे संस्कार घरातनं दिले जातात. आपण म्हणतो चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम, सो चॅरिटी बिगिन्स ॲट होम म्हणजे घरातनं संस्कार दिले जातात मुलांना आणि मुलींना इक्वली. गुड टच बॅड टच सारखे विषय शाळेमध्ये राबवायला पाहिजे. मी महिला मोर्चा अध्यक्ष असल्यापासून गुड टच बॅड टच माझ्याबरोबर पिंकीताई केडे आहे, आम्ही ठाणे डिस्ट्रिक्ट आणि मुंबई सगळीकडे त्या पण चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, WIRC चे वेस्ट रिजनल झोन आहे, ते ऍक्च्युली प्रतिनिधित्व करतात, ट्रेझरर आहेत. तर आम्ही सगळ्यांनी मिळून तो कार्यक्रम घेतला होता, पालकांना संवाद साधला होता. त्याचबरोबर मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेन्स हा विषय तेव्हा पण घेतला, आता पण घेतला. आणि तेव्हापासून 2015 पासून सांगतो की इट शुड बी द पार्ट ऑफ अ करिक्युलम, पण तो होत नाहीये. आम्ही आशिषींना तुम्ही सिस्टीममध्ये आहात तर तुम्ही त्याचा विचार करावा. आणि मी सुप्रियाताईंना सांगेन की सुप्रियाताई तुम्ही असं वचन नको देवा घेऊ नका, तुम्ही सिस्टीममध्ये आहात, तुम्ही आता एका पक्षाचे हेड आहात, तुम्ही अध्यक्ष आहात एका पक्षाचे. आणि मग तुम्हाला सिस्टीममध्ये राहून सुद्धा जर हा करता येत नाही तर आम्हीही चॅलेंज करतो की तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये आणि तुमचे जे 31-30-31 खासदार जे निवडून आले त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये ह्याच्या पुढे एक काही मुलींवर अत्याचार, महिलांवर अत्याचार होता कामा नये ह्याचं तुम्ही पहिलं लक्ष द्या आणि मग आम्हाला विरोधकांना सांगा. एवढं मला असं सांगून माझे 2 शब्द संपवायचे, कारण आशिषजींचं भाषण ऐकायला पण सगळे आतिक उभे आहात बसलेले आहात. तर मी इतकं सांगून माझे 2 शब्द संपवते. जाईन जमा शैलेश गडिया, डॉक्टर रोहन जी और उपस्थित सभी बंधु और बहनों, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि हम सब लोग काफी समय से यहां पर बैठे और कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे मन में रहेगा कि कार्यक्रम समाप्त कब हो. लेकिन मैं यहां पर आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शुभा पाते और उनके पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया. मैं सुन रहा था पैनल डिस्कशन भी, और पैनल भी एकदम मजबूत, पुलिस ऑफिसर भी, डॉक्टर भी, वकील भी, सीए भी, प्रोफेसर भी. और इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से ये चर्चा सत्र महिला सक्षमीकरण और महिला सुरक्षा ये विषय को लेकर हम सबके सामने रखा गया. विषय अच्छा भी लगा कि यहां पर बैठे हुए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने आप में से उसके ऊपर सवाल भी पूछे और मन का दर्द भी बयान किया. आज समय है कि हम सब लोग महिला सुरक्षा विषय पर खुलकर चर्चा करें. समाज वही अच्छा होता है जहां पर उस देश की महिलाओं को सुरक्षा सबसे ज्यादा दी जाती है, वही समाज, वही देश
दुनिया में अच्छा गिना जाता है। जिस शहर की महिला सुरक्षित, वो शहर सुरक्षित माना जाता है, और जिस परिवार में महिलाओं को सम्मान ज्यादा, वो परिवार संस्कारित परिवार माना जाता है। और इसके लिए कोई कायदे कानून की आवश्यकता नहीं है, कायदे कानून तो होने ही चाहिए, लेकिन परंपरागत अपनी व्यवस्थाएं ऐसी है कि हम सब अपने घरों में अगर झांक ले, थोड़े अपने माता पिता से, दादा दादी से बात कर ले, तो हमको भी ध्यान में आएगा कि हमारे परिवार में भी अगर मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी बहन, इसको अगर सम्मान है तो उस परिवार को, उस बस्ती में रहने वाले सभी लोग सम्मानित नजर से देखते हैं। जहां तक कानून की बात हो या सुरक्षा की बात हो, मन को तकलीफ देने वाले सभी विषय दिन ब दिन सामाजिक चित्र में दिखते हैं। कुछ घटनाओं का जिक्र सुभाष जी ने किया, इतनी घटनाएं बर्बरता से बनी हुई है। कहीं पर पिता ही अपने बेटी पर अत्याचार कर रहा है, कई बार तो ये बोला भी नहीं जा सकता कि एक ही परिवार में रहने वाले पुरुष अपने उसी परिवार में जन्मी बहन के साथ अत्याचार करती है। फेरे तो लिए जाते हैं, भगवान को साक्षी रखकर, लेकिन उसी पत्नी को जलील करने के लिए रास्ते पर उतारकर उसको पीटा जाता है। बात यहां पर निकली काम पर जाने वाली मेरी बहनों की, काम पर अगर मेरी बहन जा रही है, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रही है, तो उस काम पर जहां पर जा रही है वहां पर भी मैं तो ऐसे मर्दों को विकलांग ही कहूंगा कि जो ऐसे स्थिति में भी अपनी मानसिक दुर्बलता का और क्रिमिनल माइंड का परिचय देते। स्कूल कॉलेज में जाने वाली मेरी बहन, जिस टीचर पर या प्रोफेसर पर पूरी श्रद्धा के भाव से अपना विश्वास रखती है, वहीं पर कभी कभी ये घटनाएं दिखाई पड़ती है कि वहां पर भी अत्याचार। और इसके कारण ये समाज के मन में यह प्रश्न अभी बहुत अग्रिम हो चुका है कि ऐसी व्यवस्था में हम सब अच्छा समाज और अच्छा देश बने उस तरफ कैसे बढ़े। प्रश्न बिल्कुल सही है, चिंता बिल्कुल जायज है, बात कहना भी खुलकर चाहिए, लेकिन ऐसे चीजों पर राजनीति होना ये उस विषय की महत्वाकांक्षा को कम करने जैसा हो जाता है, और उसमें तू मैं तू तू और मैं लग जाती है। विषय जिस महत्व का है उसको बाजू में रखा जाता है। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी मेरी बहन ने यहां पर प्रश्न पूछा, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, और उसका उपयोग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर उसके क्या परिणाम होते हैं। और पैनलिस्ट ने भी कहा कोई एक ऐप है, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमको बहुत गहराई से सीधी भाषा में समझनी पड़ेगी। जमाना वो और था जो मेरे माता पिता के समय था कि सच और झूठ, सही और गलत, इसके बीच का निर्णय करने के लिए कई दिन मिल जाते, क्योंकि तभी टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर आता था, आदमी वो पढ़ेगा, सोचेगा, बात करेगा और उसके बाद तय करेगा ये सही है कि गलत।
हमारा जमाना आ गया कि वहां पर कुछ घंटों में सही गलत का निर्णय करना पड़ा, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल पड़ा और ब्रेकिंग न्यूज हर घंटे में आने लगा। समय कम हुआ, कुछ दिनों से कुछ घंटों तक आ गया। लेकिन आपका जमाना ना आपको दिन देगा पूरा, ना पूरा घंटा देगा, कुछ चंद सेकंडों में सही या गलत का निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जमाना, मेरा जमाना इंटरनेट का जमाना है। शिक्षा व्यवस्था के लिए इंटरनेट पर प्रोजेक्ट करना जरूरी है, तो मैं मोबाइल का यूज करूंगा या करूंगी, लेकिन मैं नेट पर जब हूं उसी समय पर नीचे कोई गलत एडवर्टाइजमेंट आती है और उसको मैं क्लिक कर देता हूं, तो सही गलत तय करने का फैसला कुछ सेकंडों में चला जाता है। और इसके लिए सीधी भाषा में कहो तो मैं मेरे युवा साथियों को यह कहूंगा, इसका निर्णय करना है तो उसकी व्याख्या कार्य पद्धति बहुत आसान है। जो चीजें हम मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैब पर, नेट पर अपने मां बाप के सामने करें, वो सही चीज है। जो चीज हम हमारे मां बाप के सामने न कर पाए या उनको ना बता पाए, ये मान के चलो वो चीज सही नहीं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं तो मां बाप के सामने कर रहे हैं, उन्होंने पूछा क्या कर रहा है, देख लो, सही चीज। हम अगर कोई ऐसे साइट पर गए जिसका उल्लेख डॉक्टर साहब ने किया कि मेरी छोटी बहन की मानसिकता पर दबाव डालने वाली, और वो अगर कहीं पर भी बैठकर हम देख रहे या जा रहे और उस समय पर मां बाप ने पूछा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, ऐसा करके मोबाइल रख दिया, वो चीज गलत। हमको ऐसे नुस्खे निकालने पड़ेंगे। मैं पैनलिस्टों से भी निवेदन करूंगा कि सहज भाषा में जो हमारे आने वाले पीढ़ी को उसका लाभ मिल सके। कोर्ट की जजमेंट्स भी काफी आती है, क्रांति जी उससे अवगत है। मैं वो जजमेंट जान रहा हूं, 2016 में ऋषिराज सिंह के नाम से फेमस हुआ और केरला हाईकोर्ट के उस जजमेंट का उपयोग इस तरह किया भी और था भी कि कोई भी महिला से या महिला के पास आप कंटिन्यूअसली 14 सेकंड से ज्यादा देखते हो तो इट इज अमाउंटिंग टू जेल। लेकिन यह जजमेंट का दुरुपयोग किया है, दैट 14 सेकेंड शुड क्रिएट एन अनकंफर्टेबलनेस टू दैट वुमन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। वैल्यूइंग और कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ 14 सेकेंड, तो आज पैनलिस्ट में से 3-4 लोग को जेल में जाने चाहिए। लेकिन हमको इसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा। आजकल स्टॉकिंग का जमाना है, 354D। आज कॉलेज की मेरी बहुत सारी बहनें यहां पर है। ये स्टॉकिंग होता कैसे, क्यों होता है, कौन कानून इसको रोक सकता है, आज इसकी जानकारी आपके पास होने के लिए मैं तो शुभा पांडे जी से कहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भारतीय जनता पार्टी का अभिनव प्रयोग इसी काम के लिए आवश्यक है कि आप इसका एक बुकलेट ही बना कर दीजिए। ये मिनिमम, ये सेक्शन और ये नंबर, ये ईमेल एड्रेस, ये फोरम, यहां पर आप उसकी सिंपल मेल या फोन करो तो भी मेरी बहन की सुरक्षा का कवच, कानून व्यवस्था का उसको मिल सकता है। और इस प्रकार के विशाखा निर्भया जजमेंट, शक्ति कायदा, ये सभी चीजें आप सबको सुरक्षा और सुरक्षित समाज इस व्यवस्था के लिए है। लेकिन किसी ने यह भी कहा है, जिस एक्ट का उल्लेख गांधी जी ने किया, कहा कि हमने नए रूप में और नई व्यवस्था में लाया, जो पुराने हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन इनोवेटर्स एक्ट थे, तो कानून तो 1888 में बना था,
तब से आज तक ये कानून है, होना भी चाहिए, कड़क होना चाहिए। मैं उसकी आवश्यकता है सवाल उठा नहीं रहा, लेकिन कानून व्यवस्था के कारण गुने कम हुए, ये समाज की मानसिकता बनने तक या समाज की मानसिकता उस दिशा में चलने तक हमारे को ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी कि जो अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने नेबरहुड में एक संस्कार का माहौल ऐसे करे कि कानून का दरवाजा ही न खटखटा, और उस संस्कार की मशीन और कहीं पर नहीं है मित्रों, अपने आप में, अपने दिल में, अपने आत्मा में, अपने परिवार में। तो समाज में डर के लिए कानून जरूरी है, लेकिन कानून की तरफ न बढ़े ऐसा समाज करने के लिए संस्कार जरूरी है। इन दोनों बातों के लेकर चलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से हो रहा है, इसके लिए मुझे खुशी है। मैं आप सबको अभिनंदन करना चाहूंगा और पैनलिस्टों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और इस प्रकार के संवाद के, शिक्षा के, एजुकेशन के, जानकारी के कार्यक्रम और हो, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हमारी बहनें, हमारी माताएं ये राजनीति और राजनीति करने का उपकरण नहीं है, ये हमारे लिए सम्माननीय है, और इसके लिए उनके साथ डायलॉग करना, उनके विषय में डायलॉग करना यही सही रास्ता है। वो सुभाष जी आपने चुना, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शेअर मार्केट आहे, ह्याच्यामध्ये आपले इन्व्हेस्टमेंट्स कसे करायला पाहिजे या विषयावर आम्ही थोडीशी माहिती देऊ। घर तिथे रांगोळी हा कार्यक्रम आम्ही अख्ख्या महाराष्ट्रभर राबवला, त्याचे सेमीफायनल राऊंड महाराष्ट्रभर झाले, मी स्वतः त्याचा दौरा केला, आणि त्याचे फायनल राऊंड आज प्राइस डिस्ट्रीब्युशन आम्ही इथे ठेवलेलं होतं। लोक आहे थे आज आपलं गोंदिया, गडचिरोली, त्याच्यानंतर चंद्रपूर, धुळे, जळगाव, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, लातूर, बीड, या सगळ्याकडून, सगळीकडून आज मुंबई आहे, ठाणा, भिवंडी, सगळीकडून म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रातनं, प्रत्येक जिल्ह्यातनं आमच्या महिला आणि पुरुष, कारण बेटी बचाव मध्ये महिला आणि पुरुष दोघे असतात, तर आमचे सगळे पदाधिकारी विजेते, त्यांची फॅमिली, त्यांना प्रोत्साहन द्यायला त्यांचे घरचे सुद्धा इथे उपस्थित राहिले होते। पैनल डिस्कशन था, यहाँ देखा मैंने कि लड़की को कहा गया है लड़की को पढ़ाओ कर बचाओ वगैरह, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखियो, बेसिकली ये अभियान तो मोदी जी ने चालू किया है, जो अपने पंतप्रधान हैं, और ये उनका बोलते ना ब्रांड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फी विद डॉटर, ये बेटी बचाओ के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया था पूरे देश में, और इसका इतना अच्छा प्रतिसाद आया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसकी नोन ली गई थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्त्री भ्रूण हत्या रोकने के लिए 2011 से 14 लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई थी, 1000 के तुलने में 700-800 ऐसे हो गए थे, तो अपना जो समतोल था वो कहीं तो बिगड़ रहा था,
मोदी जी की हमेशा व्यूहरचना रही है कि अगर महिलाओं को सक्षम करे, उसको सुरक्षित करे, उसको निडर करे, इधर उसको निर्भर करे, तो देश प्रगतिशील होता है। तो ये हिसाब से, ये सोच से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू है। अच्छा लगता नहीं कि आजकल बेटी से ज्यादा बच्चों को समझाना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए, क्योंकि आज जो हो रहा वातावरण जो है लड़कियों को समझाना चाहिए, लड़की से सुंदर हो गई। आप जो बोल रहे हैं कि बच्चों को ध्यान देना चाहिए, वहां लड़की को कि लड़के लड़का, क्योंकि क्या होता है लड़कियां खुद सबल रहती है, उनको समझ रहता है, तो बहुत कम में ये सब दिखा जाता है, लेकिन लड़कों में या लड़कियों में ये सब जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं तो ये सामने तक आता नहीं। लड़कों में तो बिल्कुल आता नहीं, लड़कियों में 52% बॉयज भी इसमें सफल होते हैं, और लड़कियों में भी ये सेक्सुअल हैरेसमेंट जो बोलते हैं ना वो बहुत देखा जाता है आजकल। और इसके लिए घर से बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जो संस्कार रहता है वो बच्चों को देना चाहिए, लड़का हो या लड़की। हम सिर्फ लड़कियों को स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो लड़कों को भी स्टॉप करना चाहिए कि तू रात को या इतना देर क्यों आता है, देर से क्यों आता है। किस हम कैसे थे आजकल पेरेंट्स हैं वो बहुत पढ़ा बिजी रहते हैं, करियर उनका भी खुद का रहता है, तो लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायलॉग संवाद कि अपने बच्चे क्या करते हैं, अपने बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स हैं, ताकि वो लोग हमारे पास आके सब कुछ शेयर करें। वो डायलॉग रहना चाहिए, उतना उनका बॉन्डिंग रहना चाहिए, नॉट एज अ फादर और मदर एंड अ चाइल्ड बट एज अ फ्रेंड। तो बच्चों में क्या होता है क्या नहीं वो सब कुछ आके शेयर करते हैं, तो ये डायलॉग इम्पॉर्टेंट है, उनको वक्त देना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वन टाइम मील, आइदर इट इज ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, वो हमेशा साथ में लेना चाहिए। और मोबाइल तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें डूज एंड डोंट्स हमको बताना चाहिए, वो भी डायरेक्टली अगर हम बताने गए कि हे करो नका, ऐसा करो मत, तो ये गलत होता है। हम इनडायरेक्टली वो अगर उनको बताएंगे कि देखो ये जब तू देख रहा है ना तो इसका ये मतलब निकलता है, ऐसा हम लोग अगर इनडायरेक्टली उनको समझाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड उनके ध्यान में रहता है कि व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। एंड फिर वो रिवोल्ट भी नहीं करते कि अपने पेरेंट्स हमेशा अपन को टोकते रहते हैं, ऐसे भी बात होती है। सो डायलॉग, फिर जब वो पीटीए मीटिंग को जाते हैं स्कूल में कॉलेजेस में पीटीए मीटिंग्स होते हैं, तो वहाँ पे विशाखा समिति हुई है लगे कि आम्ही प्रवास करता ना ट्रेन से रात को बाबा 10 बजे 11 बजे, और महाराष्ट्र इज अ वेरी सेफ स्टेट कम्पेयर टू ऑल ओवर इंडिया, तो ट्रेन में रात को आना जाना रहता है, तो वो डर जो बैठ गया वो अभी निकालना बहुत जरूरी है। तो मीडिया वालों ने भी थोड़ा सा कम ऐसे एक्सपोजर करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं कल एक गए हफ्ते ऐसे इंटरव्यू देख रहे थे और उसमें बच्चे लोग बोल रहे थे कि आम्हाला भीती वाटते है प्रवास करायला, आम्हाला कॉलेज जायला भीती वाटते है, कोणी फॉलो करते है का आम्हाला, तर हे सगळं बघून, तो ये सब नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सर इस आप क्या कहेंगे, सच कार्यक्रम क्या कुछ कहेंगे आपके इस कार्यक्रम में? मेरा ऐसा कहना है अगर लड़की को पढ़ाएंगे एजुकेशन टू द लड़की तो उसका फैमिली सक्षम बनेगा, उसका देश सक्षम बनेगा और पूरा दुनिया सक्षम बनेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग लड़की को एजुकेशन देना, और दूसरा चीज है कि लड़की सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ डिफेंस अपना बचाव खुद कर सके, एक अपना सामाजिक या तो शास्त्र में ऐसा बोला गया कि लड़की यानी अबला है, लेकिन आज की लड़की अबला नहीं है, लड़की सबला है, लेकिन ये माहौल हमें क्रिएट करना है। एक पुरुष प्रधान समाज है वो हकीकत है, लेकिन एक माहौल हमें ही पैदा करना है, हमें ही सोच समझ लड़कियों के दिल में से ये डर निकाल देना, जैसे बताया मैडम ने कि कुछ डर रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद सक्षम है लड़कियां, तो दो चीज के ऊपर मैं हमेशा बताता हूँ कि लड़कियों को एजुकेशन दो और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करो, तो उसका कुटुंब भी अच्छा रहेगा, देश भी सुधरेगा, क्योंकि लड़की ज्यादा ये पावरफुल हो गए ना तो लड़के लोग भी पावरफुल हो जाएंगे, बोलेगा कहीं कहीं लड़कों को भी कम है, लड़की भी जब करती है जो भी आजकल हो रहा है बलात्कार हो रहा है जो भी हो रहा है, तो हम लड़कों को भी शिक्षा दे, बच्चे सिखाए कि बच्चा ये गलत है ये गलत है, हम लड़कों को भी सिखाए
लड़की भी सीखे बेटा ये गलत है ये गलत है, मैं कर रहा हूँ एक्चुअली सब लोगों को सिखाना है क्योंकि अभी इक्वालिटी का जमाना है जी। एंड देखो आप अगर यूएस में वगैरह फॉरेन कंट्रीज में जाए तो खाना पकाने से लेके सब घर का काम भी लड़के भी इक्वली करते हैं क्योंकि वहाँ पे मेड सर्वेंट्स नहीं रहते और इट इज वेरी हाई पेड जॉब। तो मुझे लगता है ये संस्कृति अपने यहाँ पे भी आना चाहिए कि बाबा वर्किंग वुमेन है तो बाबा मैं आधा काम करता हूँ आधा तू, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग से अगर रहते हैं तो थिंग्स बिकम इजी फॉर देम, ऐसा मुझे लगता है। सर आपका कहना सर कहना सुना आप भी थे सर कहना और मेरा ऐसा कहना है कि आप और कुछ करने से पहले समाज में परिवर्तन कीजिए, कहाँ कहाँ भी समाज में परिवर्तन करेंगे वहीं से शुरुआत होगी। बेटी बाहर आने से पहले ही उसको आप फीमेल इन्फेंटिसाइड के माध्यम से भ्रूण हत्या करके मार रहे हैं। अभी मोदी जी के सरकार ने जो भी अभी रिसेंटली स्ट्रांग लॉज लाए हैं उसके वजह से ये अभी बहुत कम हो गया है, मगर फैक्ट रिमेन्स दैट आज भी ऐसी जगहें हैं जहां ये होता है। बाहर बेटी आती है 4 साल की हो जाती है, वो सेक्सुअल प्रेडेटर्स के हाथ में आ जाती है। उस टाइम पे हमें ज़रूरी है कि उसको हम गुड टच बैड टच और ये जो प्रोग्राम्स है उसके साथ में सेंसिटाइज करें। बच्चों को बेटियों को हम सुरक्षा देने की बात करते हैं मगर छोटे बच्चों को भी सुरक्षा देना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि सेक्सुअल प्रेडेटर्स ये सोचते नहीं है प्रेडेशन करने से पहले कि वो लड़का है या लड़की है। समाज में जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तभी तक ये सिर्फ हम अगर नारा देते रहेंगे तो उससे आगे नहीं होगा। जैसे आज शुभा जी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम दिया, शिवराज जी को यहाँ बुलाया और हमारी सारी टीम ने इसको आगे बढ़कर लड़कियों को SNDT कॉलेज की लड़कियों को सेंसिटाइज किया। जितना प्रोग्राम आप ज्यादा करें सभी आके और बाकी के हमारे पूरे महाराष्ट्र के हमारे पदाधिकारी बाकी के लोग जो सब आके सेंसिटाइज होके गए, हम ये प्रयत्न करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में बदल जरूर आएगा। क्या लगता है आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ड्रग्स और मोबाइल कितना जिम्मेदार है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए? क्योंकि समाज के अंदर ड्रग्स की वजह से बहुत ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है बच्चों के ऊपर भी हो रहा है और मोबाइल कितना जिम्मेदार है ये दोनों चीजों के लिए, और सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए इन चीजों को लेकर? सर ड्रग्स एक सोशल प्रॉब्लम है, अगर आप जब भी देखेंगे ड्रग्स एक सोशल प्रॉब्लम है, उसको एक सोशल तरह से लॉ एंड ऑर्डर प्लस उसको सोशल रिफॉर्म्स एंड सेंसिटाइजेशन की तरह ही आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि ड्रग्स मत लो और ड्रग्स लेने में क्या इश्यूज है, ये आपको सेंसिटाइज करना ही पड़ेगा उनको। और जैसे आप सेंसिटाइज करते जाएंगे उनको समाज में धीरे धीरे करके परिवर्तन आएगा। इट इज हैव टू टेक ड्रग्स, उसका मतलब मैं ड्रग्स लेता हूँ पीयर प्रेशर है मुझे और मैं ड्रग्स लेने की वजह से मैं सबके लिए एक्सेप्टेबल हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है वो प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम जो है उसको एक सिंपल सोल्यूशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत है मगर ये जरूर है कि हमें संस्कार सेंसिटाइजेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर तीनों की चीजों को साथ में लेकर हमें कुछ करना पड़ेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट के जितने केसेस आते हैं उसके अंदर ज्यादातर लोग रहते हैं ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, चाहे वो बच्चियों के साथ हो या आप कहीं का भी मामला ले ले, चाहे शक्ति की मिल गैंगरेप के मामला था, जब भी देखे हमने सब ड्रग्स एडिक्ट है। तो ड्रग्स के बाद जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो काफी ज्यादा रेट जो है उसके बढ़ते जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ट्रुथ है, आपका आपका कहना एब्सोल्युटली राइट है। एडिक्शन के बाद में कंट्रोल लूज होता है, कंट्रोल लूज होने के बाद में इंसान का परवर्जन जो है इंटरनल जो परवर्जन है वो बाहर आता है और अगर उसको ऐसी कंडीशन में कोई इंसान मिल जाए जिसके ऊपर वो प्रेडेटर बनती है वो अपना परवर्जन सेटिस्फाई कर सकता है तो उसके लिए वो ईजी हो जाता है। यहां तक कि नहीं आप जैसे यहां डेट रेप ड्रग्स है जो ड्रिंक्स में मिलाई जाती हैं बाकी की चीज़ें की जाती हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। वो नॉट ओनली ड्रग्स लेके प्रेडेटरशिप करना ये और एक इशू है। नहीं ड्रग्स के लिए तो आई ऑल्सो फील दैट पेरेंट्स एज सेड कि जैसे पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, पीयर प्रेशर रहता है नो डाउट, लेकिन अगर बच्चों पर कंट्रोल खुद सेल्फ कंट्रोल करना सीखना चाहिए। पहले अपन उपवास करते थे, हाँ वो क्यों था एक्चुअली उपवास भगवान के लिए था कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपने पर कंट्रोल ला सकते हैं इतना तो मुझे श्योर है। अगर ये सब संस्कार अगर हम बच्चों को देंगे तो आई थिंक ड्रग्स वगैरह से हम थोड़ा सा दूर रह सकते हैं बच्चों को। और ऑब्वियसली सरकार का भी है कि अभी ये ड्रग्स यहाँ ही नहीं महाराष्ट्र में नहीं या पूरा देश में नहीं तो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है सबको ड्रग्स का, तो इसके रैकेट्स भी है कॉलेज प्रीमाइसेस में, प्रिंसिपल्स है कॉलेज के ट्रस्टीज है तो कॉलेज प्रीमाइसेस में यूजुअली ये ड्रग्स का ये फैला जाता है। अब पब्स है,
अभी देखो बीच में पूना में कितने सारे होटल्स में उन्होंने रेड्स किए, तो तभी पता चला कि वो जो एक्सीडेंट हुआ वो अंडर ड्रग ये था। तो ये सब रोकने के लिए ये सब पब्स हैं जो रात रात को देर से चलने वाले होटल्स हैं, इन पर इंस्पेक्शन करके इनके छापे मार के उन पर ध्यान रखें और उनको कड़क से कड़क सजा देना चाहिए। जस्ट बाबा पैसा देके फिर वो लोग छूट जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रेपिस्ट को आप मृत्यु दंड देना चाहिए, वैसे हम लोग बोलते हैं कि जो ड्रग्स लेके बिकते हैं जो होटल, उनका सील तो करना चाहिए लेकिन उनको भी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट करना चाहिए। जब तक अपना लॉ कड़क नहीं होता है तब तक ये समस्या चालू है। तो इसके लिए लॉ में भी थोड़ा सा आना चाहिए, एक बार करके देखो। इंक्लूड ब्लैक कार भी तो खतरने का लॉ हो चुका है, खासी की खुद फांसी सजा मिल रही है, ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। हम बदलापुर के गस्त के केस में तो हमने मांग की है कि ये उसको फांसी की सजा दो, क्योंकि एक बार अगर हम देंगे तो लोग 10 बार सोचेंगे। इवन ये पब वाले हैं जिनके, या तो होटल वाले जिनके पास ये ड्रग्स मिलते हैं बिकते हैं, ये इनको भी ऐसा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दो ताकि नेक्स्ट टाइम दूसरा होटल या पब वाले ये करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ लॉ अभी आने की जरूरत है। अच्छा महिला मैडम, ऐसा नहीं लगता हम लोग अपनी सनातन और शिक्षा से भटक गए हैं? माणी लक्ष्मी भाई, अहिल्या भाई, ऐसे काफी सनातन में लोग थे जिन्होंने संस्कार भी थे, सब कुछ भी थे और इस देश को विश्व गुरु की तरफ लेके गए थे। हम कहीं ना कहीं से भटक तो नहीं गए? अपन भटक नहीं गए ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि क्या होता है कि हर जनरेशन डिफरेंट रहता है। अभी ये जनरेशन देखो, हमें हमारे टाइम या हमारे पहले हमारे जो पेरेंट्स थे उनको अगर बाहर देश जाना पड़ता था तो बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं था। लेकिन आजकल कर्जा आराम से मिल जाता है, बच्चे लोग बाहर पढ़ने को जाते हैं, तो वो संस्कृति अपने में आ गई है। अभी उसको मैंने वही बोला कि हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कोई चीज को हम बंधन नहीं डाल सकते, तो जितना अपन इट इज लाइक अ स्प्रिंग, यू नो, सप्रेस करो तो उतना वो बैक आएगा। तो पहले भी मैंने बोला, अगर बच्चों के साथ अपन टीवी देखना, वो अगर गलत टीवी देख रहा है तो उसको बोलेंगे अरे ये गलत चुकी से बंद करा, तो ये गलत है। उसको अगर बैठे बैठे अरे ना यहाँ से ना वरना यार तो ना ऐसा, अगर उसको अपन ही रिएक्शन इनडायरेक्टली देंगे तो उसके भी समझ में आ जाएगा कि नहीं अपन कुछ भी गलत देख रहे, एंड देन ऑटोमेटिकली वो स्टॉप कर देगा, ऐसा रहता है। तो इट इज ऑल ऑन हाउ यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड हाउ यू गाइड योर चाइल्ड। तो इसलिए पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को पेरेंटिंग का कोर्स करना चाहिए, पेरेंटिंग के कोर्स अवेलेबल है इंस्टीट्यूट से उसके लिए, तो उतना पैसा दे, और अभी तो यूट्यूब वगैरह में भी अवेलेबल है इजीली। जी मैम, आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को? आज जो मैम ने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा कार्यक्रम हुआ वो बहुत ही अच्छे से किया, मैडम ने बहुत मेहनत की है वो दिख रहा था और कहाँ कहाँ से लोग आए थे। इसमें मेरा एक ही बहुत पुराना एक प्रोवर्ब है, अ हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। तो अगर वो हैंड ही कमजोर हो गया तो फिर पूरी दुनिया ही कमजोर हो जाएगी। तो वो हैंड को मजबूत करने के लिए हमें महिला सशक्तिकरण का बहुत जो मुहिम जो चलाया है उसको हम और अच्छे से आगे से लेके जाए। और अभी सेक्सुअल गुड टच बैड टच की बात कर रहे थे, तो हम लोग हम सीएज हैं, हम एक ग्रुप फॉर्म करके हम लोग ने एक रहे हम सावधान करके एक प्रोग्राम चलाया था, जो बीएमसी के स्कूल्स में हम जाते थे और गुड टच बैड टच के बारे में बताते थे। और अभी भी ये प्रोग्राम चालू है और ऑल ओवर मुंबई हम ये एक साथ वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से ये इसकी प्रोग्राम भी करते हैं। तो सब तरह से हम कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, मैम भी कर रही हैं, शैलेश भाई भी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी मैम, आप क्या कहेंगे? अलगुनी बेन, एक्स म्युनिसिपल काउंसिल। आज हमारे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के महाराष्ट्र के हमारे संयोजक डॉक्टर शुभाजी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और सभी पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सभी तरह के पॉइंट्स उसमें कवर किए गए हैं। और उसमें ये भी था, एक साहब ने कहा गुड टच बैड टच, फिर या तो फिर मोबाइल का भी न्यूसेंस है, और उसमें ये भी गाइडेंस दिया गया है कि वो एक ऐप है फैमिली लिंक, वो डाउनलोड करेंगे तो अपने बच्चे का जो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा भी सभी पहलू,
और इसमें एक इम्पोर्टेंट मैडम ने रिक्वेस्ट किया था हमारे आज के प्रमुख अतिथि श्री एडवोकेट श्री आशीष शेलार जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी मुंबई के अध्यक्ष थे कि उनको ऐसा सभी ने रिक्वेस्ट किया कि अगर स्कूल में ही सभी को अगर सेल्फ डिफेंस का अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो उससे उनकी मेंटल स्टेबिलिटी योगा भी इंक्लूड करना चाहिए और साथ में फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ेगी और अपना खुद ही सुरक्षा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होनी चाहिए। सभी बच्चियों को ये स्कूल में ही अगर ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत ही अच्छा है और उनका ये सजेशन मुझे लगता है जरूर एक अपील थी वो मान्य किया जाएगा और सभी ने अच्छी तरह से इंटरेक्शन किया और पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग प्रदेश से सभी लोग आए थे। रंगोली कॉम्पिटिशन के सभी जो बख्शीश के जो प्राइज विनर है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम। यस आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। टीनेज ग्रुप को पढ़ाती हूँ ग्रेड 9 to 12। टीनेज एक ऐसा क्रूशल एज है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है एंड उस टाइम पे पेरेंट्स आर एट द पीक ऑफ देयर करियर्स अपर मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो ना पेरेंट्स इतना सुपरवाइज कर पाते हैं ना वो एज ग्रुप है जहाँ कंट्रोल कर पाए। तो आई थिंक स्कूल के एंड में एक वेलबींग फैकल्टी होना काफी जरूरी है। वेलबींग फैकल्टी एक ब्रिज है जहां पे सारे स्टेक होल्डर स्टूडेंट पेरेंट टीचर एंड इंस्टीट्यूशन साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हो सके एंड कोप अप कर सके ताकि कोई एक्सट्रीम स्टेप ना लिया जाए कभी। थैंक यू।